लड़किया सब से बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीजिया के दरवाजे से गुजर रही थी के शाह मोहम्मद इस्माइल शहीद रहमुल्ला की नजर उन पर पड़ गई हजरत ने अपने साथियों से पूछा ये कौन है साथियों ने बताया कि हज़रत ये तवाइफे हैं और किसी नाच रंग के महफिल में जा रही हैं हजरत शाह साहिब ने फरमाया अच्छा ये तो मालूम हुआ लेकिन ये बताओ कि ये किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं? उन्होंने बताया कि जनाब ये दीने इस्लाम ही को बदनाम करने वाली हैं, अपने आप को मुसलमान कहती हैं। शाह साहिब ने जब ये बात सुनी तो फरमाया मान लिया के बद अमल और बद किरदार ही सही लेकिन कलमा गो होने के अतबार से हैं तो हम मुसलमानों की बहने ही लिहाजा हमें उन्हें नसीहत करनी चाहिए मुमकिन है कि गुनाह से बाज आ जाएं। साथियों ने कहा, के नसीहत क्या खा कसर करेगी बल्कि उनको नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा शाहब ने फरमाया तो फिर क्या हुआ मैं तो ये फरीजा अदा करके रहूंगा खा कोई कुछ भी समझे साथियों ने अर्ज किया हजरत आपका उनके पास जाना करीने मसलहत नहीं है आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालिफीन हैं जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते आपने फरमाया मुझे जरा भर प्रवाह नहीं मैं उन्हें जरूर नसीहत करने जाऊंगा इस पुख्ता आज़म के बाद आप तब ले हक पर तो हकलाह का अज़म सादिक लेकर घर में तशरीफ लाए दरवेशाना लिबास जैब तन किया और तने तनहा नायका की हवेली के दरवाजे पर पहुँच गए और सदा लगाई अल्लाह वालियों दरवाजा खोलो और फकीर की सदा सुनो आपकी आवाज़ सुनकर चंद लड़कियाँ आई उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़ा है उन्होंने समझा कि यह कोई गदागर फकीर है सो so, उन्होंने चंद रुपए लाकर थमा दिए लेकिन उसने अंदर जाने का इसरार किया और फिर अंदर चले गए शाह साहिब ने देखा कि चारों तरफ शमे और कंदीले रोशन हैं, तवायफे, तबले और ढोलक की थाप पर थरक रही हैं। उनकी पाजेबों और घुरों की जानकार ने अजीब समा बांध रखा था जूही नायिका की निगाह उस फकीर बेनवा पर पड़ी उस पर तारी हो गई वो जानती थी तो उसके सामने फ़क्राना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इसमाइल खड़े हैं वो जो हजरत शाह वाली के पोते और शाह अब्दुल अजीज शाह रफीउद्दीन और शाह अब्दुल के रतीजे हैं नायिका तेजी से अपनी नशीत से उठी और एहतराम के साथ उनके सामने जा खड़ी हुई बड़े अदब से अर्ज किया हजरत आपने हम सियाकारों के पास आने की सहमत क्यूँ की आपने पैगाम भेज दिया होता तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती आपने आंखें बंद किए बगैर उससे कहा बड़ी बी तुमने सारी जिंदगी लोगों को रागो सरूर सुनाया है आज जरा कुछ देर हम फकीरों की सदा भी सुन लो नायका बोली जी सुनाइए हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेगी ये कहकर उसने तमाम तवायफों को पाजीबे उतारने और तबले ढोलकियां बंद करके आवाज सुनने का हुक्म दे दिया वो हमतन गोश होकर बैठ गई शाह इसमायल रहमुल्ला ने हमायल शरीफ निकाल कर सूरत तीन तिलावत फरमाई आपकी तिलावत इस कदर वजद आफरी और पुरसोज थी कि तवाइफ़ें बेहुद हो गई इसके बाद आपने आयात मुबारका का दिल नशीन तर्जमा करके बयान शुरू कर दिया उनका ये ख़ताब ज़ुबान का कानों से ख़ताब ना था बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खताब था यह खताब दर इला में रबाने का करिश्मा था, जो शाह साहब जैसे मुखलिस और दर्दों और उमत मुसलिम के हकीकी खैर खाओ के दिनों पर उतरता है जब तवायफों ने शाह साहब के दिल नशीन अंदाज में सूरत की तशरी सुनी तो उन पर लर्जा तारी हो गया रोते रोते उनकी हिचकियाँ बंद शाह शाहब ने जब उनकी आंखों में आंसू की जड़ियाँ देखी तो उन्होंने बयान का रुख तोबा की तरफ मोड़ दिया और बताया के जो कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से उसकी माफ़ी मांगने तो अल्लाह बड़ा रहीम है वो मुआफ़ भी कर देता है बल्कि उसे तो अपने गुनाहगार और बंदों की तोबा से बेहद खुशी होती है आपने तोबा के इतने फजाइल बयान किए कि तो उनकी चिस्कियां बंद गई किसी जरिए से शहर वालों को इस वाज की खबर हो गई वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों दीवारों चौकों और गलियों में खड़े होकर आवाज़ सुनने लगे निगाह लोगों के सर ही सर नजर आने लगे शाह साहिब ने उन्हें उठकर वजू करने और दो रकात नवाफुल अदा करने की हिदायत की रावी कहता है कि जब वो वजू करके किबला रुख खड़ी हुई और नमाज के दौरान सजदों में गिरी तो शाह साहिब ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज किया ए मुकलिबुल्कलूब ऐ मुशरफुल अहवाल मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना कुछ ही कर सकता था ये सजदों में पड़ी है उनके दिनों को पाक कर दे गुनाहों को मुआफ कर दे और उन्हें आबरू मंद बना दे। तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं मेरी फरियाद तो ये है कि उन्हें हिदायत अता फरमा उन्हें नेक बंदियों में शामिल फरमा इधर शाह साहब की दुआ खत्म हुई और उधर उनकी नमाज वो इस हाल में उठी के दिल पाक हो चुके थे अब शाह साहिब ने आप जिंदगी की बरक़ात और निकाह की फजीलत बयान करनी शुरू कर दी और इस मौजू को इस कदर खुश उस नूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफ गुनाह की जिंदगी पर कफे अफसोस करने लगी और निकाह पर राजी हो गई। चुनाचे उनमें से जवान औरतों ने निकाह करा लिए और अधेड़ उम्र वालियों ने घरों में बैठ कर मेहनत मजदूरी से गुजारा शुरू कर दिया कहते हैं कि उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत मोती नामी खातून को जब उसके सबका जानने वालों ने शरीफाना हालत और सादा लिबास में मुजाहिदीन के घोड़ों के लिए हाथ वाली चक्की पर दाल पीसते देखा तो पूछा वो जिंदगी बेहतर थी जिसमें तू रेशम और हरीर के मलबूसात में शानदार लगती थी और तुझ पर सीमों जर निशावर होते थे या ये जिंदगी बेहतर है जिसमें तेरे हाथों पर छाले पड़े हुए हैं कहने लगी अल्लाह की कसम मुझे गुनाह की जिंदगी में कभी इतना लुत्फ ना आया जितना मुजाहिदीन के लिए चक्की पर दाल दलते वक्त हाथों में उभरने वाले छालों में कांटे चबोकर पानी निकालने से आता है शाह इसमाइल अठारह सौ इकतीस को बालाकोट के मकाम पर सिखों से जहाद करते हुए शहीद हुए दरिया कुनहार के किनारे आपका मकबरा आज भी कायम है अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो मजीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह मजीद